मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत लोगों से मिलते हो, तो हर एक से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। हर इंसान में खूबियाँ और खामियाँ दोनों होती हैं, लेकिन उनकी खूबियों को जानोगे तो तुम उनको अपना पाओगे। किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन अगर उनमें कोई अच्छी बात है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी, तो उस खूबी को ज़रूर अपनाओ और सबसे ज़्यादा खुद पर यकीन करो। मैंने अपने हर बच्चे को एक समान बनाया है और तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए बड़ा सोचो और एक एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कदम रखोगे तब भी तुम्हारी जीत होगी। कभी भी बड़ी छलांग लगाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उसमें खतरा होता है। और अपने माता पिता की हमेशा इज्जत करो और घर के बड़ों के साथ रहकर उनकी सेवा करो, क्योंकि जो बच्चे अपने घर के बड़ों को मान सम्मान देते हैं और उनकी सलाह लेते हैं, तो उनके जीवन में प्रगति निश्चित ही होती है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में वो वजह ढूंढो जिससे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती हो, और वो वजह तुम्हारा काम हो सकता है, या तुम्हारे घर वाले या दोस्त हो सकते हैं, या फिर तुम्हारा कोई शौक भी हो सकता है, जैसे गाना, नृत्य या संगीत, या फिर लिखना, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। और जब वो वजह तुम्हें मिल जाएगी तो तुम रोज़ सुबह उस वजह को प्रेरणा बनाकर उस पर काम करने के लिए तुम खुशी खुशी उठोगे। केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान ना दो बच्चे, परेशानियाँ आती हैं ताकि तुम अपने अंदर झांको और अपनी उस शक्ति को पहचान सको जो तुम्हारे अंदर छुपी बैठी है। उसी शक्ति का प्रयोग करके तुम सारी परेशानियों को पार कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे परिस्थिति जो भी आए और लोग चाहे जितने भी षड्यंत्र कर लें, तुम्हारे अंदर वो बुद्धि और शक्ति है जिसके सहारे तुम अपना हर काम कर सकते हो। इसलिए अपनी परेशानियों पर ध्यान ना देते हुए अपने काम पर अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से बहुत जल्द तुम्हारा वो बड़ा सपना पूरा होगा जिसके पूरे होने के लिए तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ बच्चे, वो तुम्हारा सपना जल्द ही पूरा होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और खुद को कभी भी किसी के लिए मत बदलो, क्योंकि उन्हें तुम जैसे हो वैसे पसंद नहीं हो। तुम अपने आप में खास हो बच्चे, पर यदि तुम्हें खुद ये एहसास है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, तो उन्हें अपने लिए ज़रूर सुधारो और उन पर काम करो। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम आजकल बहुत परेशान हो और उस वजह से तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बच्चे मेरी उदी का सेवन करो और रोज़ सुबह शाम मेरी उदी का जल ग्रहण करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक वो जल ग्रहण करो, इससे तुम्हें लाभ होगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जिस चीज़ के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो वह भी जल्द ही ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रखो और हमेशा अपने मन की बात सुनो, क्योंकि तुम्हारे मन में मैं रहता हूँ और तुम्हारे अंतर मन की आवाज़ बनकर हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन देता रहता हूँ। इसलिए बच्चे, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अपने मन को यहाँ वहाँ मत भटकाओ। जब भी तुम्हारा मन भटके तो नाम जप करो, इससे तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगी और फिर तुम अपने काम में भी ध्यान केंद्रित कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम सबसे अपेक्षाएं रखते हो, इसलिए हमेशा दुखी होते हो। सिर्फ अपने आप से अपेक्षा रखो और अपने ईश्वर से अपेक्षा रखो, वो तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने देंगे। और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करूंगा। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम असफल हो रहे हो उसे मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे दोबारा से करने की कोशिश करो। इस बार तुम्हें उसका अनुभव भी है, इसलिए तुम उसमें अवश्य सफल होगे और मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। इसलिए आज फिर से कोशिश करो
और हिम्मत मत हारो। तुम्हारी हिम्मत की वजह से ही तुम इस मुश्किल को पार कर लोगे और तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मेरा विश्वास करो बच्चे, और तुम्हारा वो बड़ा सपना भी पूरा होगा और तुम्हें जल्द ही एक अच्छी खबर मिलेगी। इसलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।